हाँ, बाय द वे चाय से याद आया कि ये जो रिज़ॉर्ट है इसके ओनर इंडियन हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा जो देसी टाइप का कुछ खाना होता है वो भी मिल जाएगा, चिकन वेजिटेबल बिरयानी वगैरह, चिकन बिरयानी, बारबेक्यू वगैरह वो भी मिल जाएगा, मसाले वाली चाय मिल जाएगी और पराठे सुबह नाश्ते में वो भी मिल जाएंगे। तो इनका मेन्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। आज जहां पर मैं आया हूं वहां पर बहुत कम लोगों का आना होता है। मुझे नहीं पता कि लोग यहां पर घूमने आते हैं या नहीं, बट चूंकि हमारी ड्यूटी का हिस्सा है तो हम आते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला जाए क्योंकि छुट्टी का दिन है, यहाँ पर छुट्टी मिली है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। रिज़ॉर्ट में मैं इस वक्त हूँ और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट है मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे, बहुत लश ग्रीन और बहुत प्यारा एक स्पॉट है। मेरे बैक साइड पर आपको सब लेक नज़र आ रही होगी, ये सब जो है वो एक लेक है पीछे, और वो आइलैंड है वहाँ पर पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और मेरे पीछे अगर एक परिंदा आपको नज़र आए, मुझे इसका पता नहीं है ये परिंदा कौन सा है, बट यह है बड़ा खूबसूरत परिंदा, ये यहाँ पर ये उड़ गया, ये देखें, और ये एक और मेरे पीछे। तो काफ़ी सारे इस तरह के बड़े बड़े परिंदे मौजूद हैं। जगह का नाम है जी कंपाला, और ये इस वक्त मैं युगांडा में मौजूद हूँ। युगांडा का सिटी है एंतबे। तो यहाँ पर आज छुट्टी का दिन है हमारे, मैंने कहा कि आपको यहाँ के नज़ारे करवाते हैं क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत ग्रीनरी है, पुरसकून सी जगह है, और ये पीछे ये लेक साइड कहते हैं, और कोई लहर नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बड़ा सुकून, बहुत सुकून की जगह है। परिंदे यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे मौजूद हैं। तो अगर कभी इत्तफाकन आपका आना हो तो आप ज़रूर आइए। ये कंपाला में स्पीक रिजॉर्ट है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा हूँ तो मेरे आगे आगे बर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा सा बर्ड है, एक आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे बर्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो बड़े बर्ड्स हैं इनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पाऊँगा, देख सकते हैं कि एक वो बर्ड सामने है, और यहाँ पर ये सामने एक बर्ड इधर है, और वो कुछ सामने भी हैं, मौजूद हैं सामने। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपका कभी युगांडा आना हो तो आप इस जगह पर ज़रूर आइएगा, इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर आइएगा, घूमिएगा। लोग यहाँ पर आते हैं, सफारी के लिए भी लोग जाते हैं, बट वो जो सफारी के लिए एक स्पॉट है हमने पता किया था, वो यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव पे, तो 5 घंटे जाना और 5 घंटे आना, तो वो फिर पॉसिबल नहीं था, तो सोचा कि वहाँ ना जाएं और यहीं पर रह के थोड़ा सा एंजॉय कर लें।
मज़ीद थोड़ा सा आगे भी जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मज़ीद आगे की तरफ ले जाके रिज़ॉर्ट को दिखाऊं। अब मेरे पीछे बर्ड है, ये यकीनन अभी देखें चल पड़ा, जैसे मैं थोड़ा सा करीब हुआ ये चल पड़ा है। तो ये बर्ड ज़्यादा नहीं ठहरते हैं, ये फ़ौरन चल पड़ते हैं। ये देखें मेरे पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कुछ बेंचेस भी लगी हुई हैं जिन पर आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शाम का इस वक्त मौसम है और यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 4:35 हो रहे हैं शाम के। क्लाउडी वेदर है, गर्मी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो यहाँ पर बाहर बैठने के लिए बहुत प्यारा मौसम है। आगे आइलैंड्स पे भी मुझे कुछ रिज़ॉर्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दूर हैं। मेरे पास टेली जूम लेंस नहीं है, अगर वो होता तो ज़रूर मैं उसकी पिक्चर शेयर करता। कुछ पिक्चर्स मैंने बर्ड्स की भी ली हैं, कोशिश की है, प्रो फोटोग्राफर नहीं हूँ इसलिए पिक्चर का कोई यकीन नहीं है कि पिक्चर इतनी अच्छी आई होगी, बस ट्राई किया है। बिकॉज़ जो मैंने कैमरा लिया है इसके फंक्शन अभी मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है और इतनी अच्छी कंपोजिशन मैं नहीं बना पाता हूँ पिक्चर लेते हुए। तो कोशिश अभी चल रही है मेरी, हाथ साफ़ कर रहा हूँ उस कैमरे के ऊपर। तो टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। ये वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ और क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो आज छुट्टी मिली है तो सोचा कि वीडियो बनाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस बनाया करूँ जहाँ भी जाऊँ, बट समटाइम बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो वीडियो बनाने का जो टाइम है वो नहीं मिल पाता। और फिर इतने बड़े इक्विपमेंट को लेकर चलना तो वो पब्लिक भी बहुत देखती है तो अजीब सा लगता है थोड़ा सा कि ये हो क्या रहा है, लोग क्यों देख रहे हैं। यहाँ पे भी लोग देख रहे हैं लेकिन लोग कम है तो इसलिए ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि ये पूरा रिजॉर्ट का एरिया है। ये लेक साइड पर है सामने और बैक साइड पर भी है, जहाँ पर यानी आपको लेक साइड नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो है बेंच लगी हुई हैं, यहाँ पर आप बैठें, एंजॉय करें और टाइम गुजारें। चाय पीना चाहें तो चाय पी सकते हैं। हाँ, बाय द वे चाय से याद आया कि ये जो रिज़ॉर्ट है इसके ओनर इंडियन हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा जो देसी टाइप का कुछ खाना होता है वो भी मिल जाएगा, चिकन, वेजिटेबल बिरयानी वगैरह, चिकन बिरयानी, बारबेक्यू वगैरह वो भी मिल जाएगा, मसाले वाली चाय मिल जाएगी और पराठे सुबह नाश्ते में वो भी मिल जाएंगे। तो इनका मेन्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप देख सकें। बिल्कुल सामने है, खाने में मसरूफ़ है तो इस वजह से जो है वो अभी बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसको कि पीछे कौन खड़ा हुआ। काफ़ी करीब है, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो ये शायद चला जाए। सामने आप देखें, अगर आपको नज़र आए वो एक बोट राइड भी है यहाँ पर, जो सामने आपको एक बोट नज़र आ रही है तो आप बोट राइड भी ले सकते हैं। और यहाँ से होटल स्टाफ से कह के आप जो है वो जा सकते हैं सफारी पर भी, और ये आपको गाइड कर देते हैं कि कौन कौन सी जगह यहाँ पर जो है वो घूमने वाली है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी लेक साइड पूरी घूम ली है मैंने और बड़ा अच्छा लगा है।
लोग बैठे हुए हैं, हसबे मामूल देख रहे हैं कि ये बंदा इतना बड़ा गिम्बल और कैमरा लेके कर क्या रहा है। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि ये वीडियो बना रहा है, बट चूंकि हम इतने मशहूर नहीं हैं, वो बरसाती मेंढक होते हैं, तो हम बरसाती व्लॉगर हैं जिनको व्लॉग भी सही से बनाना नहीं आता। आई थिंक आगे किसी पार्टी का फंक्शन वगैरह का इंतज़ाम चल रहा है, देखते हैं दरिया में जाने देते हैं उस तरफ या नहीं जाने देते, पीछे पूल भी है तो। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ बोर्ड्स दिख रही हैं जो यहाँ पर मुझे लोकल माहीगीर लग रहे हैं जो फ़िशिंग के लिए जा रहे हैं, और इस तरफ जो है बोट्स भी खड़ी हैं ये सामने। और एक चीज़ मुझे और याद आई कि यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, इस क्लब के अंदर जो है वो हॉर्स राइडिंग भी है, तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। उसकी अमाउंट का मुझे पता नहीं है कि उसकी क्या पेमेंट करनी पड़ती है, तो अभी मेरे पास एक दिन छुट्टी का और है तो ट्राई करूँगा मैं वहाँ जाकर कि वहाँ क्या चार्जेस हैं और क्या सर्विसेज हैं। सुना है कि ट्रेनर भी है वहाँ पे, तो आपको वो सिखाते भी हैं। मुझे क्योंकि थोड़ा सा शौक़ भी है घुड़सवारी का, आती नहीं है, हम भी उसी तरह हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो लोग हैं वो जब हॉर्स राइडिंग करते हैं स्पेशली किनारे पर समंदर के, तो घोड़े वाले वो कहते हैं कि भाई लगाम थाम के रखना, छोड़ना नहीं। तो इसीलिए जो है हमें भी थोड़ा सा शौक़ है, लेकिन उसी हद तक है कि भाई लगाम नहीं छोड़ना। तो जनाब लेक साइड का हिस्सा सिर्फ इतना सही है, अंदर परमिशन नहीं होगी बनाने की। इतनी करीब मछली पकड़ रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया कि इतनी करीब इनको मछली मिलेगी भी कि नहीं। मिलेगी ज़रूर जब भी ये लोग नेट डाल के फिशिंग कर रहे हैं। कुछ और वीडियोस भी हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कुछ पिकनिक की वीडियोस हैं उनको भी अपलोड करना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज़ वो मोबाइल में हैं, और उनको ट्रांसफ़र करना वो बड़ा एक मुश्किल काम है बिकॉज़ वीडियो काफ़ी बड़ी हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने में बड़ा टाइम लगता है। तब तक के लिए इतने नज़ारे जो करवाए आपको उनके लिए लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।